मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर के जीडी बिनानी कॉलेज के छात्रों द्वारा कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संदर्भ में आज जीडी बिनानी कॉलेज में एसडीएम सदर आसाराम वर्मा द्वारा पहुंचकर छात्रों की बातें सुनी गई और कॉलेज की प्रोफेसर बीना सिंह से वार्ता कर छात्रों की मांगों के बारे में चर्चा कर उसके निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। तभी बच्चों से बुला के क्लास आप जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं चल रही। जो 250 रुपए आप ले रही हमसे, हम देने के लिए तैयार हैं। 500 रुपए ये लोग कहे कि रसीद दीजिए तो हम लोग रसीद, आप कहे ऑनलाइन रसीद दीजिए, हम लोग 500 रुपए लेने के लिए आप तैयार हैं। हम लोग 500 रुपए दे रहे हैं, अगर हम टाइट दे रहे हैं तो नहीं हो जाएगा। आप लोग किसी को जबरदस्ती बैठाए हैं, क्लास से हम बोले हैं क्लास हम लोग अपना जाकर ले करो, फिर बैठो ना। क्लास नहीं चल रहा है ना, हिंदी में नहीं चला है। क्यों नहीं चला है? बिनानी जीडी कॉलेज में एक हड़ताल चल रही थी छात्रों की, क्या मैटर था, किस लिए, क्या हुआ? आज उनके छात्रों से जो है वार्ता की गई है, इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप की समस्या थी, स्कॉलरशिप के जैसे यहाँ के प्राचार्य महोदय ने बताया कि उनकी इसका जो है 10 जनवरी तक इसकी जो है डेट बढ़ा दी गई, एससी और एसटी के लिए 21 मार्च तक की डेट बढ़ा दी गई। एक ये बच्चों को बता दिया गया, और इसके अलावा इनकी एक समस्या रही कि जो है फीस वृद्धि जो के लिए, उसके लिए इन्होंने ये कहा कि ये जो है मैनेजमेंट ने इस मुद्दे को रखा। मैं सर, क्या छात्रों की मांगे थी जो पूरी हो गई हैं, तो क्या हड़ताल खत्म हो रहा है, क्या है? अब ये हमने इनको पूरे बस स्थिति से अवगत करा दिया, इनकी जो तो मेन है ये यहाँ पर जो है, अब बता दो क्या आपका है। छात्रों के द्वारा जो है कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, आज जो है एसडीएम साहब आए थे, किन किन मांगों को लेकर, क्या मुद्दे पर बात हुई? छात्रों द्वारा हमारे महाविद्यालय में जो धरना प्रदर्शन किया गया था कल, एसडीएम सर आए थे और एसओ सर आए हैं, तो इन लोगों के सामने बच्चों से विचार विमर्श हुआ। उसमें छात्रवृत्ति का जो फार्म भरना है उसकी डेट जो है बढ़ गई है 10 जनवरी, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी का 10 जनवरी है, जिसमें जो है 19 जनवरी तक ऑनलाइन सत्यापित अग्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। और एससी का जो है 31 मार्च तक बढ़ाया गया है, तो ये समस्या उनकी जो है समस्या का समाधान हो गया है। और दूसरी समस्या थी उनकी कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज में काफ़ी चेक हो रही है, और हमारी जो है वार्ता हुई है रजिस्ट्रार मैम से, उन्होंने बताया कि 25-26 तक मैं ऑनलाइन रिजल्ट दे दूंगी। और हमारे महाविद्यालय की जो बात है, तो जो पेपर हमारे यहाँ जो मिड टर्म का और माइनर के मिड टर्म का हुआ है, सब मैंने उसका जो है भिजवा दिया है, तो इसलिए दोनों समस्याएं जो है का समाधान हो गया। चलिए, धन्यवाद।